फिल्म जर्सी की टीम ने दिल्ली में किया प्रमोशन। हाल ही में शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर अपनी जल्द रिलीज होने वाली फिल्म जर्सी के प्रमोशन के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे। कनॉट प्ले के पंचतारा होटल ली मेरिडियन में प्रमोशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बता दें कि जर्सी साउथ की इसी नाम से बनी पॉपुलर फिल्म का हिंदी रीमेक है। यह एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसमें एक क्रिकेटर के संघर्ष को दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक खिलाड़ी राजनीति के कारण क्रिकेट छोड़ देता है, स्पोर्ट्स कोटे से मिली नौकरी भी चली जाती है। उसका 7 साल का बेटा एक जर्सी की फरमाइश करता है, जर्सी खरीदने के लिए रुपए चाहिए। इस रकम के बंदोबस्त के लिए वह फिर मैदान में उतरता है तो इस बार सफलता उसके कदम चूमती है, लेकिन मैच जीतने के बाद उसके दिल की धड़कनें थम जाती हैं। यह फिल्म 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लगभग 2 साल बाद फिल्मों में वापसी कर रहे शाहिद कपूर फिल्म में संघर्षशील क्रिकेटर के रोल में नजर आने वाले हैं। शाहिद ने इस फिल्म के दौरान मिली सीख के बारे में बताया, मैंने अपनी फिल्म के लिए अपने पिता पंकज कपूर, जो इस फिल्म में शाहिद कपूर के कोच की भूमिका निभा रहे हैं, से बहुत कुछ सीखा है। मैंने वास्तव में सेट पर लोगों से पंजाबी में बात करने के लिए कहा ताकि मैं उन्हें सुन सकूं, क्योंकि भाषा को सुन बोलकर ही इसे आत्मसात किया जा सकता है। इसे वास्तविक स्पर्श देने के लिए हमने फिल्म के एक हिस्से की शूटिंग पंजाब में की है, क्योंकि जब आप उस माहौल में शूटिंग करते हैं तो अभिनय करना और सीखना अपेक्षाकृत और आसान हो जाता है। जो अपने पापा को पुश करता है। और एक चीज़ जो मैंने सीखी इस फिल्म में वो ये है कि बाबू मोशे जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हेलो शाहिद, लॉट ऑफ स्किन ट्रीटमेंट, इमोशनल एस्पेक्ट, ओके, इमोशनल जर्नी या ऑफ कोर्स। सबसे पहले तो फिल्म क्योंकि हमने चंडीगढ़ में बेस की है, सो वी वांटेड टू गेट द कल्चरल मिलियू राइट। जैसा मैंने कहा, फिल्म में काफ़ी पंजाबी है और हम चाहते थे कि बहुत ऑथेंटिक लगे, क्योंकि 1990s में एक फैमिली है जो चंडीगढ़ में बेस्ड है और ये एक्स पंजाबी क्रिकेटर है, तो वी वॉन्टेड टू गेट दैट एटमोसफियर राइट। तो काफ़ी काम किया लैंग्वेज पे, डायलैक्ट पे, उसके बाद क्रिकेट पे मैंने कुछ 8-9 महीने अपनी ज़िंदगी में क्रिकेट प्रैक्टिस की, 5-6 महीने फिल्म शुरू होने से पहले, फिर बीच में कोविड की वेव आ गई थी तो फिर से खेलना पड़ा, बिकॉज क्रिकेट में रवानगी होनी चाहिए, इफ़ यू डोंट कीप प्रैक्टिसिंग यू लूज दैट फ्लो, यू नो। सो आई प्रैक्टिस अनदर 3 months एंड ऑफकोर्स देयर टू वेरी डिस्टिंक्ट लुक्स इन दिस फिल्म। वन अर्जुन हु इज़ द ओल्डर 36-year-old मैन विद अ 7-year-old सन एंड अ वाइफ, एंड वन अर्जुन हु इज़ इन कॉलेज हु डजंट गिव अ damn about anything and he's madly in love with Vidya and he's a successful sports guy. So two very distinct looks, and of course everything else is right here and right here, so that is difficult to explain. Shayad, aapne Kabir Singh mein role jo hai ki kaafi aggressive role kiya tha, to lag raha hai isme humne jaise isme thoda trailer dekha to isme laga ki kya is tarah se matlab role jo aapne kiya kya same hai ya kuch thoda difference hai? पहला पार्ट आपके सवाल ये है कि दोनों सेम है क्या? सर, आप 2.5 घंटे पिक्चर को मौका दीजिए, और मुझे तो ऐसे लगता है कि कबीर और अर्जुन आर वेरी डिफरेंट होने चलो, मतलब जब आप शायद फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन शक्ल वही है तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि वो झलक दिखती है, बट हाँ इंटेंसिटी दोनों के अंदर है। कबीर के अंदर एक अलग तरीके की थी, इनके अंदर अलग तरीके की है, और हाँ अदर देन दैट मुझे बिल्कुल सिमिलैरिटी दोनों में नहीं लगती। और मुश्किल तब लगती है जब आपको किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं होती, लेकिन मुझे एक्टिंग से बहुत मोहब्बत है, तो मुझे मुश्किल चीज़ें एक्टिंग में करना बहुत अच्छा लगता है। और वापस यू नो घर जब जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार आज कुछ कमाया मैंने, यू नो कुछ नया सीखा, शायद कुछ कमाया, तो मैं मुश्किल वर्ड नहीं यूज़ करूँगा। हाँ ज़रूर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन आई लव दिस, तो नो कंप्लेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी। हाय शाहिद,
परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया. हेलो बोथ ऑफ यू. मेरा सवाल आपसे रहेगा शायद कि आपने अपने फादर के साथ ये दूसरी मूवी करी है और एज अ सन आपने मुझे बहुत कुछ सीखा है इन लाइफ में, पर आपका ऐसा क्या आपने इन्वाइट किया इस मूवी के लिए सर से, आपने कुछ एक्टिंग के लिए आपने क्या आपने इन्वाइट किया है? डैड की पंजाबी ना बहुत कहें और मेरी नहीं है, तो मैं ना उनको पंजाबी बोलते हुए देखते रहता था पूरे टाइम. मैं सेट पे भी उनसे कहता था डैड आप थे भी चंडीगढ़ में, तो कई बार ना मैं लोगों को भेज देता था जो लोकल टीम थी वो ज़्यादातर पंजाबी में बात करते थे. मैं कर लेता हूँ बट मैं मतलब वो लुधियाना की पैदाइश है तो उनकी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम परफेक्ट है, तो मैं उनको भेज के ना उनसे बोलता था थोड़ा डैड से पंजाबी में बात करो. मैं सुनते रहता था. तो ये एक चीज़ है जो मुझे डैड की इस कैरेक्टर के लिए स्पेशली और इस फिल्म के लिए मुझे लगा इट्स गोना बी रियली गुड कि मैं उनकी पंजाबी सुन. और क्या होता है एज एन एक्टर आप सुनते रहते हो तो वो बैठ जाती है मन में. अगर आप जैसे हमने ये भी डिसीजन लिया कि हम इंटीरियर पोर्शंस भी जो हैं इस फिल्म के वो हमने पंजाब में ही शूट किए और वो एक्चुअली यू हैव टू स्पेंड मोर मनी टू डू दैट क्योंकि आपको पूरा यूनिट यहाँ लेकर आना पड़ता है. बट आई डोंट नो हाउ मच यू नो. भाई बैठ जाना. ओके भाई बैठ जा. कि एक शो 3, 4, 5, 6, 7 अभी तक चल ही रहा है, लेकिन एक फिल्म की एक लाइफ होती है यू नो, और उसी लिमिटेड सीन्स में आपको बहुत ज्यादा बैठ जाना होता है. सो जर्नी अगर आप मुझसे पूछे तो बहुत ही अनोखी है. ये मेरी खुद की अपनी जर्नी है और मैं बहुत प्राइड लेती हूँ. आई एम वेरी प्राउड दैट यू नो आई गॉट अपॉर्चुनिटीज़. काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स ने मुझ में फेथ दिखाया और आई वॉज़ वेरी हंग्री टू परफॉर्म अ गुड कैरेक्टर. मैं बस ये कहना चाहूँगी आप सब लोगों के लिए कि एक एक्टर के बीच में एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो है कैमरा. वो ज़रूरी नहीं है कि टीवी के लिए है तो फिर अलग एक्टिंग करूँगी लाइक दैट, और या फिल्म के लिए तो मैं बड़ा ऐसे करूँगी. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स जस्ट द मीडियम इज वुड बी डिफरेंट बट कैमरा ऑलवेज स्टेज द सेम. जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल माई फिल्म मेकर्स क्योंकि बहुत कम ऐसे फिल्म मेकर्स होते हैं जो इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके एक टीवी के कलाकार को यू नो कास्ट करते हैं. बहुत अच्छा लगता है जब मेरे टीवी के एक्टर्स मुझे आके बोलते हैं कि मृणाल आप हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. और आई थिंक द कैरेक्टर्स आई प्ले, जो कैरेक्टर्स मैं कर रही हूँ उसके थ्रू ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि काफ़ी सारी लड़कियाँ मुझसे कनेक्ट हो और अपने आप को विक्टिमाइज करने के बजाय अगर वो खुद मैदान में बल्ला उठा के छक्के और चौके लगाए तो मज़ा आ जाएगा. क्यों नहीं? That's true. All right, guys, I'm really